हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब बढ़िया होंगे। गाइस इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे छोटी छोटी आइटम्स की बात करूँगा जो कि आपको अपने साथ जरूर कैरी करनी चाहिए यूके जाने से पहले। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस अगर नंबर वन आइटम की बात करें जो कि आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए यूके जाने से पहले, तो गाइस वो है ये यूके अडॉप्टर, जिसकी आपको यूके में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ आप अपना फ़ोन चार्ज कर पाएंगे यूके में। गाइस ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मिल जाएगा 150 का, तो गाइस आप जाकर इसे ख़रीद सकते हैं। गाइस अगर सेकंड आइटम की बात करें तो वो है पावर बैंक, जो कि आपको अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपको इमरजेंसी में अपना फ़ोन चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस पावर बैंक आप अपने साथ ज़रूर ले जाना। गाइस अगर थर्ड इम्पोर्टेंट आइटम की बात करें तो वो है ये चार्जिंग केबल, और आपको अपने साथ 2 से 3 चार्जिंग केबल ज़रूर कैरी करनी चाहिए, ताकि अगर आपका चार्जिंग केबल कहीं ख़राब भी हो जाए तो आपके पास बैकअप तो होगा ना। और हो सकता है कि यूके में ये केबल बहुत एक्सपेंसिव हो, तो गाइस ये आपको ज़रूर कैरी करनी चाहिए अपने साथ। गाइस फोर्थ आइटम की बात करें तो वो बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ही यूज़फुल रहेगी आपके लिए। गाइस आप अपने साथ ये पिन ज़रूर कैरी कर लें 2 से 3, जो कि आपको सिम चेंज करने में आपकी बहुत ही मदद करेंगी। और एयरप्लेन में बोर्ड करने के बाद आप इसके साथ अपनी सिम चेंज कर सकते हैं और यूके की सिम अपने फ़ोन में इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस इन पिन को ज़रूर कैरी कर लें अपने साथ। गाइस यही कुछ छोटी छोटी आइटम्स थी जो कि आपको अपने साथ कैरी करनी है यूके जाने से पहले। कि गाइस आप देख लेना कि आपको और कौन सी छोटी छोटी आइटम्स चाहिए और आप अपने साथ कैरी कर लेना। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।